प्रकृति में बदलाव के साथ ही सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। धनिया, मिर्ची और विशेष तौर पर टमाटर के भाव सुनकर ठंड के मौसम में भी पसीने छूटने की नौबत सामान्य जनता पर आई हुई है, जिसके चलते जनजीवन काफी तौर पर त्रस्त है। गौरतलब है कि बारिश के मौसम में सब्जियों के भाव बढ़ना सामान्य है, लेकिन इस बार बढ़ती महंगाई ने सामान्य लोगों की कमर तोड़ दी है। सब्जी में जायका लाने के लिए धनिया, मिर्च, टमाटर आदि चीजों का उपयोग जरूरी होता है, लेकिन बढ़ते भाव के कारण 2 किलो टमाटर खरीदने वाला आज आधा किलो खरीदने के लिए भी आनाकानी कर रहा है। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो सब्जियों के भाव में परिवर्तन सामान्य है, लेकिन जेब को लगने वाली कैची के आगे बड़ा तनाव कोई नहीं। बहरहाल देखते हैं मार्केट की स्थिति हमारे संवाददाता के साथ। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, वातावरण में बदलाव हो रहा है, प्रकृति के बदलाव के साथ सब्जियों के भाव भी आसमान छू रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद है शक्करधरा स्थित बुधवार बाजार में, जहां हम जायजा लेंगे मार्केट का, आखिर किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, किस प्रकार से बदल हुआ है सब्जियों के रेट में। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद है बुधवार मार्केट में, जहाँ की सब्जियाँ बेची जा रही है। जैसे कि हमारे किचन से जिस प्रकार से टमाटर गायब चुके हैं, आप देख सकते हैं विक्रेताओं के पास भी उतनी मुबलक मात्रा में टमाटर दिखाई दे नहीं रहे हैं। उसकी स्थिति और उसका कारण भी यही है कि कहीं ना कहीं बढ़ते भाव के साथ साथ लोग उन्हें खरीदना भी बंद कर दिया है। टमाटर की टुकनी आप देख सकते हैं, बाकी सब्जियां भी आप इस वक्त देख सकते हैं, सब्जियों के भाव इस वक्त आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण लोगों की जेब पर भी भारी मात्रा में प्रभाव पड़ रहा है और जिसके कारण ही खरीदारी में कहीं ना कहीं कमी हो रही है। तो आइए जानते हैं सब्जी विक्रेताओं से कि किस प्रकार से बाजार में परिवर्तन हुआ है, सब्जियों के रेट में परिवर्तन हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक सब्जी विक्रेता, जिनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो किस प्रकार से क्या है मार्केट की स्थिति, क्या बताना चाहेंगे? बैंगन 40 रुपए किलो, टमाटर 80 रुपए किलो, सौड़ा 20 रुपए पाव। सबसे ज्यादा महंगी कौन सी सब्जियां है? टमाटर, धनिया, हरी मिर्च। कितने दिनों के पहले से ये परिवर्तन हुआ है और कब से ये भाव आसमान छू रहे? एक महीना हो गया महंगाई तो। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक महीना हो चुका है, जिस प्रकार से प्रकृति में बदलाव होते जा रहे हैं, प्रकृति के बदलाव के साथ साथ सब्जियों के भाव में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण से जनजीवन काफी व्यस्त है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है खरीदार। क्या खरीदने आए हैं आप? टमाटर सब्जियां। टमाटर आप खरीदने आए हैं, टमाटर के भाव काफी आज आसमान छू रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आसमान छू रहे, कितने टमाटर महंगे हो गए, आम आदमी क्या खाएंगे टमाटर? तो कहीं ना कहीं आम आदमी क्या खाएंगे, ये बड़ा सवाल उपस्थित किया है इस वक्त खरीदार ने बुधवार बाजार के। इस बाजार में इस वक्त हम मौजूद है और हम जायजा ले रहे हैं बुधवार बाजार का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, टमाटर लेके जा रहे है सर, आपकी जेब पे कहीं ना कहीं कतरी लगने वाली है, टमाटर के भाव इतने आसमान छू रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? टमाटर खाने में कुछ कमी आई है या पूर्ववत जैसा ही चल रहा है? नहीं, कमी आई है थोड़ी, ज्यादा महंगे होने के कारण उस पर थोड़ा सा बंधन आया है। क्या कहना चाहेंगे सब्जियों के टेस्ट में मैडम, क्या सब्जियां बनाते वक्त आपको क्या प्रॉब्लम्स जा रही है टमाटर महंगे होने के कारण? टमाटर नहीं डालने के सोच रहे हैं सब लोग, क्योंकि टमाटर इतने महंगे हो गए कि क्या टमाटर डालेंगे, 100 रुपए किलो टमाटर खाएंगे तो क्या करेंगे। आपके पहले सब्जियों में कितने टमाटर आप डाला करती थी और इस वक्त? सब्जी में 2 टमाटर जाते थे, अभी आधा टमाटर जा रहा है। आधे टमाटर पर जिंदगी आ चुकी है, किचन भारी मात्रा में, किचन में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से जनजीवन बदल चुका है। इस वक्त हमारे साथ अंकल भी मौजूद है जो टमाटर चुन रहे हैं, आप देख सकते हैं अंकल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या टमाटर के भाव? टमाटर के भाव 80 रुपए किलो हो गए ना सर, क्या खाएंगे, कैसा इतना महंगाई बर्दाश्त करेंगे, इतना नहीं होना चाहिए। सब्जियों का बरसात आ गई, सब आ गई, फिर भी वो सब्जियों के भाव कम नहीं हो रहे। सब्जियों के भाव कम नहीं होंगे तो कैसा सब्जियाँ बनाएंगे और कैसा खाएंगे? हमारे ज़रूरत है ना, जरूरत ये तो कोई भी है, पेट्रोल जैसी नहीं है कि भाई नहीं भी डाले तो चलता है, तो सब्जी खाना ही खाना है। ये आप थोड़ा सा करिए गवर्नमेंट को कि भाई इसका कुछ उपाय सोचे और पब्लिक को, नागरिकों को राहत दे, जिसके कारण से दुकानदार भी और सब्जी खाने वाले भी थोड़ा सा
संतोष करे कि भाई ये कम हुआ करके। आपकी एज के आपकी एज में आप इतनी आयु आपकी हो चुकी है, इतना देखा ही नहीं मैंने, इतना 80 रुपए किलो 10 रुपए किलो मिलता जब सीजन रहता तो 5 रुपए किलो मिलता, अभी 80 रुपए बोले तो बता 80 रुपए यही दे देंगे तो 100 रुपए तो यही चले गए। एक सब्जी में एक ही आइटम डाल लेंगे तो क्या वो मिर्ची बोलते 140 रुपए किलो हो गई, समार 150 रुपए किलो है, क्या करेंगे ऐसा कैसा करेंगे बताइए आप। ये कोई बताए सब्जियों के भाव है, कोई अमेरिका से आ रही है सब्जी सब अपने देश में बन रही है, अपने आसपास के गांव से आती है, फिर क्यों इतने भाव बढ़ गई है सब। ये किसान को तो कम मिलता मगर दलालों को ज्यादा इसका फायदा होता। कहीं ना कहीं एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि कहीं ना प्रकृति में बदलाव के कारण और भारी मात्रा में अतिवृष्टि होने के कारण भी ये हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ तो सर होना ही है ना, अब इतना डेवलप के नाम पे सब झाड़ काट रहे हैं, खेती कम हो रही है और बिल्डिंगें बन रही है, मजदूरों के खेती वालों के कुछ काम नहीं रह गए, फिर खेती कम होएंगी तो ये ऐसा शॉर्टेज होगा, तो शॉर्टेज होने के कारण से सब वो भाव बढ़ेंगे सर। दुकानदार को भी तकलीफ होती कि उनका माल नहीं बिकता ज़्यादा भाव होने से, और जो खरीदार है उनको खरीदने के लिए 1 किलो लेने का वो पाव भर में संतोष करता है, सब्जी के स्वाद भी नहीं बनता है, और वो तो पहले सब वो केमिकल वाले उसके यूरिया से सब सब्जी का टेस्ट ही ख़त्म हो गया, ओरिजिनल सब्जी का टेस्ट तो आता ही नहीं, वो नाम के लिए चल रहा है कि भाई सब्जी खा रहा है सब्जी खाना है, गवर्नमेंट बोलती है कि सब्जी खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वो करो हरिया सब्जी का इस्तेमाल, मगर ये ऐसा भाव रहेगा सर तो कैसा इस्तेमाल करेंगे सब्जी भाजी, और कैसा रोज का गरीब लोग यानी जो 100, 200, 300 रुपए कमाते हैं तो इसमें ही सब्जी में पैसे चले जाएंगे, तो फिर बाकी फिर तेल कहाँ गया, आटा कहाँ गया, दाल कहाँ गई, और काय पे बनाएगा और काय पे खाएगा, और दो बच्चे कैसा पालेंगे सर। तो दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे थे टमाटर के भाव काफ़ी मात्रा में बढ़ चुके हैं, और हमने जायज़ा लिया बुधवार मार्केट का, जहाँ कि हमने देखा बात की सब्जी विक्रेताओं से साथ ही साथ सब्जी खरीदारों से, तो कहीं ना कहीं काफ़ी मात्रा में प्रभाव पड़ चुका है, जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो चुका है इन सब्जियों के भाव बढ़ने के कारण, इस प्रकृति की मार ने कहीं ना कहीं लोगों को झंझोड़ के रखा है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज़ के लिए नागपुर।